सेव सेव किया किया था था ना मैं सिर्फ इसलिए गया क्योंकि उसने मुझे कॉल दैट्स इट इट बट तो फॉर समवन एल्स जिंदगी में सेव करना जरूरी है मगर जब बात पैसों की हो सिर्फ सेविंग से काम नहीं चलेगा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए और अपने सेविंग्स को आगे बढ़ने का मौका दीजिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली नमस्कार दोपहर में आपका स्वागत है ब्रिक्स के विस्तार का भारत पे किस तरह का असर पड़ेगा चंद्रयान थ्री के सफलता के बाद आगे का रास्ता किस तरह से दिखता है यही नहीं आ, एशिया क्रिकेट से लेकर हेडलाइंस के पीछे शेखर के साथ मैं अपूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता स्वागत है आपका शेखर धन्यवाद अपूर्वा ये सप्ताह तो काफी एक विदेश नीति का फॉरन पॉलिसी पॉलिसी का सप्ताह रहा बिल्कुल ब्रिक्स समिट हुई मोदी जी वहाँ पहुंचे शी जिनपिंग भी पहुंचे उनको कु, उनकी कुछ बातचीत हुई और लगता है उसका कुछ नतीजा भी निकला आ, और ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है आ, जी।, जी ट्वेंटी के लिए तो अब जी ट्वेंटी के लिए भी हमने कमर कसी हुई तीन दिन तो दिल्ली बिल्कुल बंद ही हो जाएगा जी तो ये फॉरेन पॉलिसी का सीजन है और उस, उस समय एशिया कप भी शुरू हो जाएगा क्रिकेट का चलिए शेखर इसी बात पे पहला सवाल लेती हूँ अनुराग जैन का हमारे मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि ब्रिक्स में भारत किस तरह से प्लेस्ड है क्या ये केवल चीन शो है चाइना शो है या भारत की भी इसमें कोई स्टैंडिंग है क्या आपको लगता है कि लद्दाख में डिसंगेजमेंट का साउथ अफ्रीका में शी और मोदी की मुलाकात से कुछ लेना देना है देखिए पहली बात तो ये मैं आपके आखिरी बात को पहले शुरू करता हूँ लद्दाख में जो तो डिसमेंट वो एकदम कोई मिलकर नहीं आ रही बहुत दिन हो गए झगड़ते हुए शिव भाई या नरेंद्र भाई अब शांति कर लेते हैं ऐसे नहीं होता है ये बात बहुत दिनों से चल रही है तो जैसे लद्दाख में शुरू हुआ कुछ इसको तीन साल से ऊपर हो गए तो अब ये चले जा रहा है अब चीनी लोग वहां पे आए क्यों आए इस समझना कोई मतलब असंभव तो नहीं है लेकिन उसको डंके की चोट से कहना कि इसीलिए आए वो भी संभव नहीं है लेकिन मुझे लगता है वो इसलिए आए क्योंकि हमने कश्मीर का स्टेटस बदल लिया और लद्दाख को हमने केंद्र शासित प्रदेश बना दिया तो चीनियों का एक ही कहना था मुझे लगता है कि वो ये कहने के लिए है कि देखिए अक्साई चिन्ह तो हमारा इलाका है चीन वाले तो कहते हैं उनका इलाका है हम कहते हैं हमारा इलाका है और अक्साई चीन अगर हमारा इलाका है हमारा क्षेत्र है तो कहां का क्षेत्र है वो लद्दाख का क्षेत्र है तो उन्होंने कहा अपने लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया अपने लद्दाख का स्टेटस चेंज कर दिया तो अक्साई चिन्ह पहले कश्मीर का हिस्सा था और कश्मीर के साथ आपका पाकिस्तान के साथ एक द्विपक्षीय विवाद चल रहा है बायलैटरल इशू चल रहा है लेकिन अगर आप लद्दाख का स्टेटस भी चेंज करते हैं और उसमें आपके गृह मंत्री खड़े होकर कहते हैं लोकसभा में कि ये अक्साई चिन्ह वापस लेके आएंगे तो फिर हम ये बताने आ रहे हैं आपको याद कराने के लिए कि फिर हम कश्मीर डिस्प्यूट में कश्मीर मसले में हम भी एक पार्टी हैं तो मुझे लगता है कुछ ऐसे बताने के लिए आए थे कि जी. हमारी भी दादागिरी है और दादागिरी वो ये भी दिखाने के लिए आए हैं क्योंकि ये लद्दाख जो है पूर्वी लद्दाख इसका जो सबसे ऊपर का भाग आप देखें जो उत्तर का भाग है ये सारे फ्रंटियर का वहां पे दौलत भाई गोल्डी है हुँ. जो हमारी लास्ट फौज की बड़ी पोजिशन है उसके बाद कुछ आगे जाए हालांकि बड़े ऊँचे पहाड़ हैं जाना आसान नहीं है वहां ये कि आप सुबह के चले कि मैं थोड़ा सा एक रक्सा एक लगता हूं, रखता हूँ और थोड़ी थोड़ी कॉफ़ी चाय और पानी रखता हूँ और दो सैंडविच और कराकुरम पास हो क्या था वैसे नहीं होता लेकिन कराकुरम पास वहाँ से दूर नहीं है कराकुरम पास है और ऐसे कई पास उसके बाद और हैं वो पा चाइना और पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है खास करके चाइना के लिए जो उनका पाकिस्तान में रास्ता है और फिर आगे सी में जाता है और उसके आगे चीन का सिंकियांग या सिंजियांग एरिया में शुरू हो जाता है तो चीन के लिए भी ये बहुत संवेदनशील इलाका है तो वो यही दिखाने के लिए आए थे कि देखिए ये मत समझना कि आप सिर्फ पाकिस्तानियों से मुकाबला कर रहे हो यहाँ पे हम भी हैं जी लेकिन उनको शायद इस बात की उम्मीद नहीं थी कि भारत भी उतनी ही स्ट्रेंथ में उतनी ही शक्ति में वहाँ पहुँच जाएगा और जल्दी ही पहुँच जाएगा तो भारत ने भी वहाँ पे 50 साठ हज़ार लोग इकट्ठे कर लिए चीन ने 50 साठ हज़ार लोग इकट्ठे किए थे वो टैंक और इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स इनको पहले आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स कहते थे वो लेके आए हम भी वो लेके आ गए वो वहाँ के हवाई अड्डों अड्डों पर बेसिस पे अपनी एयर पावर लेके आए हम भी वहाँ पे लेके आ गए जी। अब वहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं तो बैठे होने से हमको भी तकलीफ है लेकिन बैठे होने से उनको भी तकलीफ है प्लस उनको यह भी पता लग गया कि वो कुछ भी करें यहां किसी को धक्का मुक्की करके अंदर घुस नहीं सकते हैं और ऐसे कोई चाहता नहीं की लड़ाई हो जाए और दुनिया भर में एक और अस्थिरता पैदा हो जाए तो मुझे लगता है कि उनको भी लग रहा है और भारत को भी लग रहा है कि बहुत हो गया इस बात को खत्म ना करें तो कम से कम इसको थोड़ा सा हम लाइटन करना हल्का करना शुरू कर देते हैं तो ये बातचीत काफी समय से चल रही है जी। 19 राउंड हमारे कोर कमांडर्स की बातचीत के भी हो चुके हैं इस बार जो कोर कमांडर्स की बातचीत हुई उसके पहले कुछ ऐसे इंडिकेशन थी कि लगता है कि कुछ इसमें इस बार कुछ ब्रेक थ्रू होगा क्योंकि नवंबर में अभी की बात है नवंबर में अब सोचे नवंबर दिसंबर अब अगस्त आ गया ना अगस्त भी खत्म होने वाला हो गया दस महीने पहले दस महीने पहले ऐसे ही हमारे प्रधानमंत्री मोदी की और शी जिनपिंग की दो तीन मिनट की बातचीत हुई थी बाली में जी। जो जी ट्वेंटी का बाली में आखिरी हुआ उसके बाद भारत ने प्रेसिडेंसी ली उसकी तो वहाँ पे वो फोटो भी आ, आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पे भी दिखाएंगे तो ये फ़ोटो आए छोटा सा वीडियो भी आया कि प्रधानमंत्री उठे और उसके जाके उन्होंने शी जिनपिंग को ग्रीट किया फिर उनके दो चार मिनट बात हुई तब भारत सरकार ने तो कुछ कहा नहीं था कि बातचीत उसमें कुछ हुई लेकिन चीनियों ने उस बात को जिसको कहते हैं स्पिलिंग द बीन्स वो कर दिया चीनियों ने पीछे एक जब में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मीटिंग हुई थी उसके बाद एक अपना स्टेटमेंट इशू किया अपने फॉरेन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे सिर्फ अपनी भाषा में इंग्लिश में नहीं किया इंग्लिश वाले में ये नहीं कहा था लेकिन जो अपनी भाषा वाली थी उसमें कहा के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक नई अंडरस्टैंडिंग हुई एक नया समझौता हुआ जिसके जिसके चलते अब दोनों देशों के सेनाओं के कमांडर या दोनों देशों के अधिकारी अब वो जो टेंशन है उसको कम करने लगे हैं तो उससे हमें पहले पता लगा था कि अब कुछ बदलाव होने वाला है जी। ऐसे ही उसके बाद ये उन्नीसवा राउंड जो मैंने आपको बताया कोर कमांडर्स की बातचीत हुई उसके बाद लंबा राउंड दो सेट मेजर जनरल्स का हुआ तो एक हमारे मेजर जनरल जैसे अपनी तरफ का सॉरी एक हमारे मेजर जनरल अगर मैं इसको सिर्फ अपनी तरफ की बात बताऊं तो दौलत बे गोल्डी में और वो मेजर जनरल मिश्रा हैं और एक मेजर जनरल भी हरिहरन दौलत बे गोल्डी तो हो गया बिल्कुल उत्तर में इस सेक्टर के और उसके दक्षिण में आके जो कमांडर हमारे हैं जिसको कि हम कहते हैं यूनिफॉर्म फोर्स जी एक डिवीजन के बराबर ही है उसके कमांडर मेजर मेजर जनरल वी हरिहरन उनकी बातचीत अपने काउंटर पार्ट चाइनीज हैं उनके साथ हुई वो तीन दिन चली तीन दिन के समझिए चार दिन ही चली पर इस बार जो कोर कमांडर्स की बात भी हुई वो एक तरह से दो दिन चली पहले दिन वो मिले खाना खाने के लिए डिनर किया डिनर वैसे तो कोई करता नहीं जब लड़ाई हो रही हो और वो भी बातचीत से पहले

लीडरशिप के चाइनीज लीडरशिप के ऑर्गेनाइजेशन है दोनों को चीन ने ही आगे बढ़ाया है uh, ब्रिक्स अगर आप देखें तो ब्रिक बनाता है पहले ब्रिक्स नहीं बनाता ब्रिक्स तो एक गोल्डमैन सैक्स ने एक तरह से मार्केटिंग के लिए बनाया था कि अपने इन्वेस्टर से बोले कि अरे ये देश हैं ये इमर्जिंग uh, इकोनॉमीज हैं ये आगे बढ़ने वाली हैं ब्राजील है रशिया है इंडिया है चाइना है तो एक तरह से ब्रिक अच्छा बन गया अगर उसको चेंज करते क्रिप बन जाता तो क्रिप तो इतना अच्छा नहीं होता ना क्रिप तो कहते हैं क्रिप क्यों कर रहा है इतना जी। तो क्रिप की जगह ब्रिक बना दिया तो वो ब्रिक बन गया फिर क्योंकि चीनियों को लगा कि इसमें जूस है क्योंकि इसमें पश्चिमी कोई देश नहीं है जैसे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में पश्चिमी कोई देश नहीं है तो चीनियों ने कहा कि हम इसके अंकल बन जाते हैं और इसमें अफ्रीका का भी एक देश डाल लेते हैं तो उन्होंने जोर लगा के साउथ अफ्रीका को ऐड कराया इसीलिए बाद में ये ब्रिक्स बन गया पहले okay. ब्रिक था फिर ब्रिक्स बन गया अब उसमें आपने और देश ऐड कर लिए ग्यारह देश हो गए अब कह रहे हैं उसको और ऐड कर लेंगे थोड़ी देर में इसका भी नॉन अलाइन मूवमेंट टाइप को बनने वाला है hmm. तो लेकिन जैसे पहला नॉन अलाइन मूवमेंट था उसमें भारत सोचता तो था कि हम उसके नेता हैं पर भारत उसका नेता नहीं था hmm. असली नेता नॉन अलाइन मूवमेंट का उस समय सोवियत यूनियन था जी। क्योंकि जिस नॉन अलाइन मूवमेंट में क्यूबा हो हो वो नॉन अलाइन अलाइन किस तरह से रहे और भारत भी हो भारत में भी इंद्राजी के समय में बांग्लादेश वॉर से पहले सोवियत यूनियन के साथ या अपनी बातचीत में हम कहे रूस के साथ एक संधि की थी जिसे कहते थे इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन वो एक तरह से स्ट्रेटेजिक ट्रीटी ही थी और उस ट्रीटी के बाद भारत एक तरह से सोवियत एलाई बन ही गया था तो मैं नहीं मानता कि वो समझौते के बाद वो संधि साइन करने के बाद भारत पूरी तरह से गुट निरपेक्ष था और ना मैं ये मानता कि जो गुट निरपेक्ष ग्रुप था वो कोई जेन्यूनली गुट निरपेक्ष था वो गुट निरपेक्ष था लेकिन सोवियत यूनियन की तरफ झुका हुआ था जी। ऐसे ही जो अब ये ब्रिक्स बन रहा है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन तो बन ही चुका है क्योंकि वो तो शूरी शंघाई से हुआ है तो ये दोनों एक तरह से नए नॉन अलाइन मूवमेंट बन रहे हैं लेकिन इनका पूरी तरह से चाइना का डोमिनेशन है पहले नॉन अलाइन मूवमेंट में सोवियत यूनियन अंदर नहीं था वो बाहर था लेकिन इसमें चीन अंदर है और जैसे पहले दुनिया में दो पोल बने थे तो अमेरिका और सोवियत यूनियन तो क्योंकि पोल ध्रुवीकरण ऑलरेडी हो चुका था इसलिए सोवियत यूनियन इस नॉन लाइन मूवमेंट में नहीं आ सकता था लेकिन अभी वो ध्रुवीकरण फॉर्मली नहीं हुआ एक तरीके से तो चीन उसका फायदा उठा के ना सिर्फ इनमें घुस रहा है लेकिन इनके ऊपर अपनी दादागिरी भी जमा के रख रहा है जी। तो ये एक तरह से जैसे दुनिया एक बाईपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है दुनिया मल्टीपोलर नहीं हो रही है दुनिया बाईपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है और जैसे दुनिया बाईपोलराइजेशन की तरफ बढ़ रही है वैसे वैसे चीन ये नए नए ऑर्गेनाइजेशन से इकट्ठे कर रहा है अब आप देखें कि अगर ब्रिक्स में आप देखें तो ब्रिक्स में सारे बाकी देशों की जो एग्जिस्टिंग देश है एग्जिस्टिंग देश है उनकी जीडीपी मिला लीजिए भारत की पौने चार ट्रिलियन डॉलर है अगर आप साउथ अफ्रीका के देखेंगे तो उसकी तो एक ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है है ना तो कुल मिला अगर आप मान लीजिए कि छह सात जो भी होगी ट्रिलियन डॉलर हो गई चीन की इस समय अठारह ट्रिलियन डॉलर है तो अभी जब भी इतने देशों का ग्यारह देशों का ब्रिक्स भी हो जाएगा तब भी चीन की जीडीपी उससे आधी से ज्यादा होगी तो ऐसे में कोई मल्टीलेटरल कुछ कर पाना और ये कहना कि मल्टी हो रहा है प्लोरी हो रहा है ये अपने आप को बेवकूफ बनाने की बात है हमें समझना है ये चीन अपनी दादागिरी के नए फोरम इकट्ठे कर रहा है जी। और हम उसमें रहना चाहते हैं सेकेंडरी टू चाइना अब ठीक है भाषण आप दे सकते हैं वहां पर जाके वर्चुअल सिग्नलिंग कर सकते हैं पर कोई सबको पता है कि इस टेंट के नीचे जी। कमांडर कौन है आप मानना चाहें या ना मानना चाहें इसलिए मैं तो इसको चिंता का विषय मानता हूँ कि ब्रिक्स और एस इतनी आगे बढ़ रहे हैं तो मुझे कई बार समझ नहीं आता कि भारत इसके बारे में

साथ साथ हम अपने आप को एक और ग्रुप में डाल लेते हैं और जब ग्लोबल साउथ कहते हैं और एक ग्लोबल नॉर्थ है तो साफ है कि नॉर्थ ऊंचा है साउथ नीचा है सिर्फ जोग्राफिकली नहीं लेकिन ये ग्लोबल साउथ की कंसेप्शन ये है कि जो नौर्थ ग्लोबल नॉर्थ है वो पश्चिमी देश हैं वो अमीर हैं वो बहुत ताकतवर हैं ग्लोबल साउथ बेचारे गरीब भूखे नंगे नहीं कहूँगा लेकिन गरीब हैं थर्ड वर्ल्ड हैं पिछड़ गए हैं डेवलपिंग है और उनके साथ बहुत अन्याय करती है ग्लोबल नॉर्थ तो उनको इकट्ठे रहना है लेकिन जिस ग्लोबल साउथ में चाइना है जिस ग्लोबल साउथ में भारत है तो भारत चलिए ठीक है भारत तो अभी फिर भी तेईस सौ चौबीस सौ पच्चीस सौ डॉलर पर कैपिटल इनकम है पर चाइना ग्यारह हजार बारह हजार के आसपास है चाइना कहां से ग्लोबल साउथ हो गया और अगर चाइना को निकाल दें तो ग्लोबल साउथ क्या है जी और ऐसे ग्लोबल साउथ में कई देश हैं लैटिन अमेरिका है, में जो इसमें क्वालिफाई नहीं करते हैं बाब ठीक है पहले बोलते अच्छा चाइना है इंडिया है ब्राजील है ब्राज़ील है या नहीं है मेक्सिको है इथियोपिया है नाइजीरिया है तो ये कोई ग्रुपिंग इसकी बनती नहीं है हुँ, मुझे हुँ। मुझे तो ये हंसने की बात लगती है और मुझे ये बात भी अजीब लगती है कि हमारे प्रधानमंत्री बार बार ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ बोलते हैं और बोलते हैं कि भारत को तो ग्लोबल साउथ का नेता बनना है कुछ ऐसे ही है जैसे इंदिरा गांधी बोलती थी कि भारत को नॉन नॉन अलाइन मूवमेंट का आंदोलन का आंदोलन नेता बनना है तो ये तो फिर ऑल्सो रैंस का नेता बनने की बात है और यहाँ ऑल्सो रेंस पे भी चाइना आपके आगे खड़ा हुआ है जी। तो भारत को भी अपनी पोजीशनिंग ठीक से देखनी पड़ेगी इसलिए मैं ग्लोबल साउथ को इतना मानता नहीं हूँ दूसरी बात आपकी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूं कि जो ब्रिक्स है क्योंकि ब्रिक्स ब्रिक्स इतना चाइना डोमिनेटेड अब है है कि उसमें ब्रिक्स का कोई ग्लोबल साउथ में भारत की भारत की लीडरशिप अगर चाहता भी है, तो उसको मजबूत नहीं करने वाला ये कहना नहीं ठीक होगा कि क्योंकि चाइना इस समय ब्रिक्स में इतना बड़ा हो गया या शंघाई कॉपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में इतना डोमिनेंट हो गया तो भारत को सबसे निकल के और ग्लोबल साउथ जिसको कहते हैं उसको भी छोड़ देना चाहिए जो डेवलपिंग देश हैं जो कि प्रगतिशील देश हैं खास करके अफ्रीका में वहाँ भारत को अफ्रीका में और अपने पड़ोस में नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश मालदीव्स, भूटान यहाँ पे और अफ्रीका में वहाँ भारत जो कुछ कर रहा है भारत को उससे भी ज़्यादा करना चाहिए लेकिन ये ग्लोबल साउथ ग्लोबल साउथ करना अपने आप को आप बी टीम में दुनिया की क्यों डाल रहे हैं हमको तो कहना चाहिए हम ग्लोबल साउथ नॉर्थ है नहीं हम तो दुनिया के नंबर वन देश हैं कई मामलों में नंबर वन है तो ये आ, मुझे समझ नहीं आता कि इंदिरा ये नेहरू जी के समय से शुरू हुआ था और आजकल नेहरू जी की हर भी, हर चीज का रिजेक्शन होता है लेकिन जो एक नॉन अलाइनमेंट वाला माइंड है उसका रिजेक्शन नहीं हो रहा है हालांकि जब कूटनीतिक बात आती है जब देशों के बीच में रिश्ते की बात आती है तो ये जो सरकार है मोदी सरकार ये काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी प्रैगमेटिक है रियलिस्टिक भी है जिसको कहते हैं सिनिकल जहां मतलब होता है वैसे ही करते हैं लेकिन उसके साथ साथ एक ये नया जो अभी शुरू हुआ है कि हम ग्लोबल साउथ के नेता हैं ये मैं कहूँगा कई बार ये आपकी नीति को भी ये चीज़ें हाईजैक कर सकती हैं क्योंकि आपके नेता को भी पसंद आता है कि कम से कम मेरे देश के वोटर सोचें कि मैं दुनिया के एक बड़े भाग का नेता हूं अगर आप नक्शे पे देखेंगे ग्लोबल साउथ के तो अब देखिए साउथ क्या है उस साउथ के अंदर से आप साउथ मनाते हैं फिर आज जापान निकाल देते हैं क्योंकि जो भूमध्य रेखा है उसके तो साउथ में है ना जापान साउथ कोरिया वो निकाल दिए

देखिए पहले तो आपको मैं भी ज्वाइन करता हूँ सबको बधाई देने में क्योंकि इतने अच्छे वैज्ञानिक हैं इतने अच्छे इंजीनियर हैं सब ने मिल बहुत अच्छा काम किया और भारत का नाम नाम ऊँचा किया दूसरी बात जहाँ कमर्शलाइजेशन किया इसरो की जो सफलता है उसका एक राज ये भी है कि इसरो को काफ़ी समय से शुरू से ही कभी उसको ब्यूरोक्रेटिकली कंट्रोल नहीं किया गया नहीं, नहीं। जैसे आप मान लीजिए डीआरडीओ है तो डीआरडीओ बहुत ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक तरीका है उसका इसरो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरह से चलता है सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने कुछ कमर्शियल अपने यूनिट्स बनाए भी अब बदकिस्मती से उसमें कुछ विवाद हो गए जैसे कि जिसको अंतरिक्ष स्कैम कहते हैं अब वो एक प्राइवेट कंपनी बनाई किसी के इसके साथ पार्टनरशिप करी उसमें कोई झगड़ा हो गया झगड़ा नहीं मतलब उसमें कुछ स्कैम उस उस समय सीजन भी स्कैम का था यूपीए दो के समय में तो वो बात चल गई तो वो एक तरह से थोड़ा नीचे रह गया रह गई बात तो उसको बढ़ना चाहिए अगर मुझे लगता है बढ़ेगा भी दूसरी बात कमर्शियल सेटेलाइट लॉन्चेज तो अब इसरो कर रहा है कई देशों की कई कंपनियों की सेटेलाइट जो हमारे रॉकेट जाते हैं उन पर लॉन्च की जाती है और जो पी जो है जो हमारा एक रॉकेट है जो जीएसएल से एक स्टेप नीचे है GSLB, जिसको जिसमें का बी जो नया वर्जन है एल एम उसके ऊपर तो अभी गया था चंद्रयान लेकिन उसके जो जीएस जो मेन पी है वो हमारा वर्क हॉर्स है जी उसमें बहुत सेटेलाइट ऊपर जाती हैं और वो हम बहुत लॉन्च कर सकते हैं और उस पर कमर्शियल भी काम काफी किया जा रहा है तो मेरी ये सोच है और मेरी ये उम्मीद भी है कि आ, आने वाले समय में इसरो क्योंकि इसरो का कॉस्ट बेस कम है हुँ. इसलिए काफी सर्विसेज वो सस्ती ऑफर कर सकता है दुनिया में कॉम्पिटिटिव बेसिस पे तो वो कर पाएगा तो इसरो कमर्शलाइज कर पाएगा अपने आप को और उससे अपनी कमाई भी कर पाएगा देखिए भारत सरकार में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अपनी कमाई पे ही चलते हैं जैसे गर, अगर आप कोई एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सी वाले लोग आपको पैट डाउन करते हैं आपकी सिक्योरिटी चेक करते हैं वो सी जो है वो फुली सेल्फ फाइनेंसिंग है भारत सरकार से उसको बजट से कोई पैसा नहीं मिलता वो हर एयरपोर्ट में या हर ऐसी फैक्ट्री में जहाँ वो अपनी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं उनसे फीस लेते हैं अपनी चार्ज करते हैं और उससे ही उनका काम चलता है तो ऐसे ही भारत सरकार में भी आ, ऐसे लोग कमर्शलाइज कर सकते हैं अच्छी सर्विसेज को ऐसे इसरो भी कर सकता है शिखर अगला सवाल आदित्य का हमारी मेंबर हैं पूछ रहे हैं कि एशिया कप के लिए हालिया टीम चयन के संबंध में आपके क्या विचार है बोल रहे हैं कि आपको लगता है कि चहल जैसे आक्रमक लेग स्पिनर को नज़रअंदाज करके हाफ फिट केएल राहुल के चुने जाने से ऐसा लगता है कि भारत फिर से डिफेंस मोड में जा रहा है और अपनी गेंदबाजी को मजबूत करने के बजाय हम ऑलराउंडरों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम नंबर नौ तक बल्लेबाजी करें वो पूछ रहे हैं लेकिन ये सब मानते हैं बोल रहे हैं कि पचास ओवरों में गेंदबाज ही आपको मैच जिताते हैं देखिए आपकी बात ठीक है लेकिन भारत की अब काफ़ी समस्याएं हैं वाइट बॉल क्रिकेट में एक तो समस्या यह है कि जो नंबर फोर का स्पॉट है हमारी बैटिंग में वो नंबर फोर का स्पॉट सेट नहीं हो पाया है मैं तो कहूंगा कि 2011 के बाद से जब वर्ल्ड कप जीता नंबर चार का स्पॉट सेट नहीं हुआ है जी। और ऐसे ही ऑलराउंडरों की कमी है एक जमाना था बहुत जमाने तक के आप क्या आप सुरेश रैना सुरेश या युवराज सिंह उसके पहले आ, सहवाग बीच में तेंदुलकर भी गांगुली भी ये सब लोग बॉलिंग कर लेते थे जी। दो दो ओवर चार ओवर छः ओवर दोनों दो में मिलके दस भी हो गए कई बार एक का अच्छा चले तो ज़्यादा भी कर सकता था लेकिन अब हमारे पास ऑलराउंडर्स की कमी है तो ऑलराउंडर्स की कमी है और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जो हमारी बैटिंग में जो पहले इतनी जबरदस्त दमखम था उस समय नहीं है।, है उसमें नंबर चार का नहीं होना भी है और ये भी सच्चाई है कि जो हमारे बड़े बैट्समैन हैं जो तजुर्बेकार बैट्समैन हैं वो अब उम्र में थोड़े बड़े भी हो गए हालांकि फिट हैं लेकिन थोड़े बड़े हो गए तो इंस्टिंगट आपके घटते ही हैं और दुनिया भर में बैटिंग अब और तेज़ होती जा रही है तो उसके साथ साथ हमारी बॉलिंग जो है हमारी फास्ट बॉलिंग अब बुमरा अभी वापस आ रहे हैं कितना वापस आ पाएंगे कैसा कितना स्ट्रेन ले सकते हैं वो सारी बातें हैं लेकिन हमारी बॉलिंग भी अब वो इतनी पैनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग इस समय पूरा जो उनका बॉलिंग पैक है फास्ट और स्पिन मैं कहूँगा हमारे से अच्छा है काफी अच्छा है हमारे से तो उसके सामने खड़ा होने के लिए आपको बहुत अच्छी बैटिंग चाहिए और अगर बैटिंग आपकी कुछ लोग अब रोहित हैं कोहली हैं खेलते हैं लेकिन बहुत समय से कोई इतना जबरदस्त बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाए हैं इंटरनेशनल लेवल पे तो उसमें अगर के राहुल मिल जाए और उसमें शामिल हो जाए मिक्स में तो ये एक लालच होता है टीम को कि शायद एक और तजुर्बेकार बल्लेबाज मिल जाए और ऑलराउंडर नहीं होने से उसमें बहुत मुश्किल होती है और ऑलराउंडर नहीं होने से फिर आ, ये सोचना कि मैं सिर्फ बॉलिंग के सहारे चला जाऊं बैटिंग भी कर दूं अल्टीमेटली जो लिमिटेड ओवर्स गेम है उसमें आपको रन बनाने पड़ते ही हैं क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप चेज करेंगे आपको पहले रन सेट भी करने पड़ते हैं और आप ये कह सकते हैं ठीक है कम भी सेट हुए तो मैं मुकाबला कर लूंगा वो तब जबकि आपकी बॉलिंग बड़ी धारदार हो तो वो तो अभी नहीं है नहीं। तो ऐसे समय में मैं समझता हूँ कि टीम बैलेंस ढूंढ रही है जी। और वो उस बैलेंस ढूंढने की एक मुश्किल प्रक्रिया में ही चहल को ड्रॉप किया गया हालांकि अब देखें चहल का परफॉर्मेंस अभी वेस्ट इंडीज़ में भी इतना अच्छा रहा नहीं वेस्ट इंडीज की चुनौतियाँ भी थी लेकिन उस इस तर पर हर जगह चुनौतियाँ होती ही हैं तो उसके हिसाब से बैलेंस ठीक है एक चीज़ से मेरा थोड़ा सा uh, मैं खुश नहीं हूं वो ये कि जो आई में अब एक इम्पैक्ट प्लेयर कर दिया है अब आपका एक आदमी बॉलिंग करके निकल जाता है फिर आप जब बैटिंग करते हैं उसकी आपको जरूरत नहीं आप उसकी जगह बैट्समैन ले आते हैं ऐसे ही आपका आदमी बैटिंग करके निकल जाता है फिर आप फील्डिंग के टाइम आपको उसकी जरूरत नहीं तो शुभमन गिल जैसे उनका बिठा देते हैं उसके जगह बॉलर ले आते हैं तो ये जब आपने एक तरीका निकाल लिया तो किसी को क्या इंसेंटिव है कि वो ऑलराउंडर बनेगा जी। क्योंकि ऑलराउंडर की जगह तो आप इम्पैक्ट प्लेयर से पूरी कर लेते हैं तो ये दुनिया में कोई और लीग नहीं कर रही है ये दुनिया में कोई और देश नहीं कर रहा है ये गलत प्रैक्टिस है क्योंकि भारत को अगर आगे रहना है तो भारत को और ऑलराउंडर चाहिए कम नहीं तो ऑलराउंडर को इंसेंटिवाइज करना है डिसइंसेंटिवाइज नहीं करना है शेखर अगला सवाल आ रहा है इनका यूजर नेम है अरविंद वी ये बोल रहे हैं सीटीसी एपिसोड 1294 में जिस एपिसोड की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी वो बोल रहे हैं उसमें ट्रंप द्वारा अपने मामलों को फेडरल कोर्ट्स में लाने के दबाव पर चर्चा की गई वो बोल रहे हैं ट्रंप ने कई अदालतों में डेमोक्रेट और रिपब्लिकन जजेस के बीच संतुलन बिगाड़ते हुए बड़ी संख्या में फेडरल जजों की नियुक्ति की है क्या इससे इन मामलों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर असर पड़ने के रूप में देखा जा सकता है एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कि आपको लगता है कि हमारी न्यायपालिका की स्वतंत्रता के बारे में भी ऐसे ही सवाल उठाए थे देखिए मेरे ख्याल दोनों में अलग अलग चीजें हैं क्योंकि अमेरिका में जो है राज्यों की शक्तियां बहुत अलग होती है जी। और राज्यों के कानून भी बहुत अलग होते हैं हर जगह वो नहीं होते तो ये फेडरल कोर्ट में लाना उनका सवाल और है और फेडरल कोर्ट में जो उन्होंने नियुक्तियां की है ज्यादा वो तो सुप्रीम कोर्ट में की हैं वो हर फेडरल कोर्ट में नहीं किए हैं सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा किए हैं और फेडरल कोर्ट में भी जो केस उनका जज देख रही है वो भी डेमोक्रेटी है तो इतना आसान नहीं है लेकिन वो देखिए सबसे बड़ी चीज जब केस होते हैं तो इंसान इनसा, कोशिश करता है कि मैं जितना कंफ्यूजन क्रिएट कर सकूं उतना करूं तो अब शिफ्ट हो ना हो उन्होंने कम से कम जज के बारे में जज की क्रेडिबिलिटी के ऊपर एक सवाल सवालिया चिन्ह खड़ा कर दिया है तो ये उनकी एक तरह की आ, एक तरह की टैक्टिक्स है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं हमारी एनजीए हमारी एनजी और हमारे यहाँ जजेस के अपॉइंटमेंट्स अमेरिका के सिस्टम से बिल्कुल फर्क है अमेरिका में सारी ऐसी अपॉइंटमेंट्स चाहे जजेस की हो सुप्रीम कोर्ट से लेके लोकल कोर्ट तक चाहे पुलिस ऑफिसर्स की हो काउंटी के शेरिफ से लेके किसी भी लेवल तक चाहे एफबीआई चीफ तक इन सबके ऊपर कॉन्ग्रेशनल हेयरिंग्स होती हैं और उन हेयरिंग्स में बहुत लंबी लंबी बात होती है उनका सब कच्चा चिट्ठा खोला जाता है सारा रिकॉर्ड निकाला जाता है और उसमें कई लोग होते हैं जो उस बात को होल्ड भी कर सकते हैं अब आप देखिए कि यही अमेरिका के राजदूतों के लिए भी होता है तो एरिक गारसे जो भारत में राजदूत बन के आए हैं वो दो ढाई साल तक रुके रहे ना क्यों क्योंकि उनको एक दो जो लोग थे हिल पे कांग्रेसमैन और सेनेटर्स उनको पसंद नहीं थे और उनको एक दो ऑब्जेक्शन लगा के उन्होंने उनको रोक के रखा तो अमेरिका में ऐसे अपॉइंटमेंट्स भारत की तरह नहीं होती हैं जहाँ पे या कि या, 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 या तो कोलिजियम चुने जी। और या फिर सरकार चुने ऐसे नहीं होता यहाँ पे हर चीज़ हेयरिंग्स के साथ होती है कॉन्शनल हेयरिंग्स के साथ और जो जैसे काउंटी होगी तो वहाँ की जो कांग्रेस होगी स्टेट की अपनी कांग्रेस होती है सबकी अपनी अपनी होती हैं तो एक अलग तरह का तरीका है पता नहीं आपने अभी ओपन हाइमर देखी कि नहीं लेकिन हुँ. उसमें आप देखेंगे तो उसके अंदर भी जो एटॉमिक एनर्जी कमीशन के अमेरिका के चीफ थे वो फिर उनकी अपॉइंटमेंट होती है कॉमर्स सेक्रेटरी मतलब कॉमर्स मिनिस्टर की हुँ. तो उनके लिए स्ट्राउस तो उनके लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं अब कैबिनेट मिनिस्टर बन जाऊंगा उसकी भी कॉन्ग्रेशनल हियरिंग्स होती हैं और उसमें उसमें मैं अपनी फिल्म अगर नहीं देखी तो मैं सारी कहानी नहीं बताऊंगा लेकिन उसमें आप देखें कि कितना जटिल होता है किसी का उस सिस्टम में अगर सरकार ने भी आपको नॉमिनेट किया हो प्रेसिडेंट ने भी आपको नॉमिनेट किया हो जिसकी सरकार है फिर भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपको वो जॉब मिल पाएगी जी शेखर एक आखिरी सवाल लूँगी दिव्यांश का है हमारे मेंबर और सब्सक्राइबर हैं बोल रहे हैं कि मैं देख रहा हूँ सवाल थोड़ा लंबा है बोल रहे हैं मैं देख रहा हूँ कि समाज में बहुत ज़्यादा ध्रुवीकरण हो गया है और मेरी राय में ये काफ़ी ज़्यादा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया अपने अलगोरिदम के साथ एकदम परफेक्ट इको चेंबर बन गया है वो बोल रहे लोग वही देख देखना चुनते हैं जिस पर वो पहले से ही विश्वास करते हैं और सोशल मीडिया के अल्गोरिदम जो आपके व्यूइंग हिस्ट्री के आधार पर शो रेकमेंड देते हैं जिससे दर्शकों के लिए एक ही पॉइंट ऑफ व्यू बार बार री होता है वो बोल रहे हैं इसने सभी डिबेट्स और डिस्कशंस को एंडलेस शाउटिंग मैच बना दिया है बार बार आश्वासन देने के बावजूद सोशल मीडिया कंपनियाँ समाज में उनके कारण पैदा हुए इस अनोमली पर कार्रवाई करने में विफल रही हैं और भारत दुनिया भर की सरकारें इन जाय्स के खिलाफ कदम उठाने के लिए तैयार नहीं दिखती हैं और एक्चुअल में उनके साथ सहयोग करते हुए पाई गई हैं इसके अलावा सरकार के किसी भी नियम का दुरुपयोग सरकार द्वारा भी किया जा सकता है प्रो गवर्नमेंट विचारों को प्रचारित करने के लिए आपकी राय में सोशल मीडिया के कारण उत्पन्न आर्टिफिशियल ध्रुवीकरण की इस समस्या से निपटने का तरीका क्या हो सकता है देखिए सोशल मीडिया ने ध्रुवीकरण पैदा नहीं किया ध्रुवीकरण धु, राजनीति पैदा करती है राजनेता पैदा करती है सोशल मीडिया उसको आर्टिकुलेट करता है और उसको बढ़ाता है तो आग लगाने का काम कोई और करता है और आग लगाने के लिए ईंधन भी कोई और जमा करके रखता है वो राजनेता होते हैं उस आग को फैलाने के लिए जो उसको फूक मारना है उसको हवा देना है वो काम सोशल मीडिया करता है तो ये फर्क है तो सोशल मीडिया को इसमें हमें ब्लेम नहीं करना चाहिए आजकल की हमारी राजनीति सिर्फ भारत में नहीं बहुत देशों में ऐसी हो गई है आप अमेरिका में देख लीजिए भारत में तो है ही आप अभी देखें कि यूरोप में अब राइट विंग के नेता जगह जगह चुन के आ रहे हैं इटली में जॉर्जिया मेलोनी आई हैं ऐसे डेनमार्क में स्वीडन में सब जगह कई जगह राइट विंग के लोग आ रहे हैं स्पेन में भी, भी आने का लग रहा था लेकिन उनका भी अनसर्टन इलेक्शन रिजल्ट आया है किसी की किसी का बहुमत नहीं आया इसराइल में तो ये सब राइट विंग की सरकारें आ रही हैं कहीं कहीं लेफ्ट की भी आ रही हैं तो सब दुनिया जो है खास करके डेमोक्रेटिक दुनिया में ध्रुवीकरण ध्रुवीकरण होता है जो डेमोक्रेटिक नियम तो एक ही ध्रुव होता है शी मजाला है कि बोले मैं दूसरा ध्रुव हूँ हु। वो कल ही उसके नमस्ते हो जाएगी या पुतिन के सामने कोई बोल रहे तो पता नहीं या खिड़की से बाहर गिर जाएंगे गलती से वो कोई ऊंची खिड़की के पास गए तो काफी लोग गिर जाते हैं वहां खिड़की से रूस में या कोई जहाज में जा रहे होंगे तो जहाज़ नीचे आ जाएगा और जहाज भी तभी गिरेगा जबकि पुतिन कोई कॉन्सर्ट देख रहे होंगे हुँ। और लोग जाके बताएंगे और बाद में फिर श्रद्धांजलि देंगे और बोलेंगे बड़ा टैलेंटेड आदमी था प्रिगोशिन लेकिन उसने कुछ गलतियाँ करी है ना तो ध्रुवीकरण तो होता हमेशा सिर्फ डेमोक्रेसीज में है और ध्रुवीकरण करते हैं नेता क्योंकि किसी भी राजनीति के लिए दो ध्रुव तो चाहिए नहीं, नहीं तो राजनीति किस बात के लिए कर रहे हैं लेकिन वो किस बात पर ध्रुवीकरण है वो ध्रुवीकरण इस बात पर है कि आपकी इकोनॉमिक्स लेफ्ट है या राइट right है या इस बात पे है कि आप एक नई कोल्ड वॉर चाहते हैं या दुनिया में शांति चाहते हैं या इस बात पर है कि आप यूक्रेन में अभी समझौता चाहते हैं या आप चाहते हैं कि वहां पर पुतिन हारे हरे तभी समझौता होगा भारत में ऐसे ही आप, आपकी आपकी इकोनॉमिक्स लेफ्ट है राइट right है पब्लिक सेक्टर को प्राइवेटाइज होना चाहिए नहीं होना चाहिए हमें पाकिस्तान अमेरिका के साथ बॉर्डर का क्या समझौता करना चाहिए करना चाहिए नहीं करना चाहिए इन बातों पे ध्रुवीकरण हो तो एक अच्छा होता है एक हेल्दी होता है डेमोक्रेसी के लिए लेकिन हिंदू मुसलमान के ऊपर ध्रुवीकरण हो जाए या फिर इस बात पर ध्रुवीकरण हो जाए जैसे अभी अबॉर्शन के ऊपर ध्रुवीकरण हो रहा है अमेरिका में जो पर्सनल चॉइसेस हैं, जी, उनके ऊपर हो रहा है या फिर गोरे काले के ऊपर हो रहा है गोरा काला ब्राउन हिस्पैनिक जो आइडेंटिटी है तो जब इन पर ध्रुवीकरण होता है तो उसमें नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो ये अब आप देखें राजनेता ही इसका एजेंडा बनाते हैं सोशल मीडिया तो उसको फिर हवा देने का काम करता है हवा देता है वो जरूर और वहां सोशल मीडिया की गड़बड़ है लेकिन वो शुरू करता है और वो उसका मेन कारण है ये बात ठीक नहीं है कम से कम मेरे हिसाब से ठीक नहीं है जी चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया हो हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद